हेलो फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में हमने जाना कि गम्स, टीथ और प्रेगनेंसी का क्या कनेक्शन होता है, गम्स, टीथ और माउथ रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स प्रेगनेंसी में हो सकती हैं, और अगर आपने ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं किया या इन सब प्रॉब्लम्स को ट्रीटमेंट नहीं दिया तो आपकी प्रेगनेंसी और आपका बच्चा किस तरीके से इफ़ेक्ट हो सकता है, हमने ये सारी बातों पर गौर किया। आज हम जानेंगे कि क्यों इम्पॉर्टेंट है प्रेगनेंसी से पहले ही अपने गम्स और टीथ को प्रिपेयर करना, और कैसे आपको प्रिपरेशंस करनी चाहिए ताकि किसी भी तरीके की मिस हैपनिंग ना हो सके प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में। सो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम टू इंडियन बेबीज अनबॉक्स्ड। प्रेगनेंसी, बेबी केयर और पेरेंटिंग रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे चैनल इंडियन बेबीज अनबॉक्स्ड को हमारे वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक जरूर करें ताकि हमारे वीडियोस का कोई भी अपडेट आप मिस ना कर दें और उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। अगर आपने अभी तक पार्ट वन नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ पार्ट वन आप देखें ताकि ये पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझ सकें, और तभी आपको ये समझ में आएगा कि क्यों इम्पॉर्टेंट है प्रेगनेंसी से पहले ही अपने टीथ और गम्स को प्रिपेयर करना। बहुत ही कम प्रेगनेंसीज ऐसी होती हैं जो प्रॉपरली प्लान्ड होती हैं, और उन प्रॉपरली प्लान्ड प्रेगनेंसीज में से भी बहुत ही कम कपल्स ऐसे होते हैं जो प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के लिए जाते हैं, और उनमें से भी बहुत ही कम ऐसे कपल्स होते हैं जो डेंटल काउंसलिंग के लिए जाते हैं। देखिए, डेंटल काउंसलिंग प्रेगनेंसी से पहले बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके की पीरियोडोंटल डिजीज़ यानी गम से रिलेटेड प्रॉब्लम या टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम डेवलप होने का कोई भी चांस हो तो उसे प्रॉपरली पहले ही अवॉइड कर लिया जाए या पहले ही उसका सही से ट्रीटमेंट करा लिया जाए ताकि प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन के अंदर किसी भी तरीके की मिस हैपनिंग ना हो। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के ड्यूरेशन में बहुत ही कम ऐसी मेडिसिन या बहुत ही कम ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो सेफ़ होते हैं आपके लिए और आपके बच्चे के लिए। इसलिए अगर आप कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट अगर प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में कराते हैं तो आपको एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं, और ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होता आपके लिए या आपके बच्चे के लिए। तो इसलिए अगर आप वेल ट्रीटेड और वेल प्रिपेयर्ड चलेंगे गम्स और टीथ को लेके तो आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम एंटायर ड्यूरेशन में झेलनी नहीं पड़ेगी। दूसरी बात कि अगर आपको टीथ या गम्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो यूजुअली डेंटल एक्सरेस लेने पड़ जाते हैं। तो वैसे तो अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन और ACOG कहता है कि एक्सरेस सेफ है, बट एक्सरेस को लेने का एक तरीका है कि थायराइड ग्लैंड और एब्डोमेन पे शील्डिंग की जाती है। जब वो प्रॉपर शील्डिंग की जाए तभी एक्सरे लेना चाहिए। बच्चे को अननेसेसरीली रेडिएशन में एक्सपोजर नहीं देना चाहिए। ये उसी तरीके का है जैसे अगर आप मेट्रो से ट्रैवल करते हैं तो मेट्रो से पहले जब आप स्कैनर से निकलते हैं तो आप यूजुअली मना कर देते हैं कि नो, आई एम प्रेग्नेंट, प्लीज़ मुझे स्कैन मत करिए। तो ये उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है कि अगर आप डेंटल एक्सरेज लेते हैं तो बच्चे को एक्सपोजर मिल सकता है रेडिएशन से, इसलिए डेंटल एक्सरेज बेस्ट अवॉइड करने चाहिए। ऑल्दो ADA और ACOG जो है वो कहता है कि एक्सरे बिल्कुल सेफ है, बट वो साथ में ये भी कहता है कि प्रॉपर शील्डिंग होनी चाहिए। तो अगर अवॉइड किया जा सकता है तो अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज प्रॉपर शील्डिंग के लिए हमें डेंटिस्ट से रिक्वेस्ट करनी चाहिए। तीसरी बात कि जब भी कोई डेंटल प्रोसीजर होता है तो एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो वो एनेस्थीसिया जब आप सलाइवा के थ्रू जब आपके स्टमक में जाता है तो ब्लड स्ट्रीम में एंटर होके आपके बच्चे को भी जा सकता है, जो अगेन हार्मफुल हो सकता है फीटस के लिए। तो इस कारण आपको अपने गम्स और टीथ को वेल विद इन बिफोर प्रेगनेंसी प्रिपेयर कर लेना चाहिए। तो जब आप प्रेगनेंसी से पहले डेंटल काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो जो डॉक्टर हैं वो आपके गम्स, आपके टीथ, आपके टंग, आपके पैलेट, उन सब का पूरा अच्छे से एग्जामिनेशन करेंगे। वो साथ ही आपको ये सजेशन देंगे कि आपके गम्स और आपके टीथ को 2-3 बार प्रोफेशनली क्लीनअप करा लें आप प्रेगनेंसी से पहले ताकि कोई भी प्रॉब्लम डेवलप ना हो सके। साथ ही वो आपको ऐसे टूथपेस्ट और माउथ रिंस ये सब रेकमेंड करेंगे जो आपके प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में और लेटर ऑन ब्रेस्ट फीडिंग के ड्यूरेशन में सेफ़ होगा यूज़ करना। तो इसलिए अगर आप अपनी प्रेगनेंसी को प्लान कर रहे हैं तो डेंटल काउंसलिंग को ज़रूर अपनी प्लानिंग का हिस्सा बनाइए। आज के इस पार्ट में इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम्स अवॉइड हो सकें और बिल्कुल भी अकर ना हो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहें। हम आपसे मिलते रहेंगे। टिल देन टेक केयर एंड एन्जॉय योर प्रेगनेंसी।